हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद ऋतु। तो आज होने वाला है फेशियल, बहुत जल्दी वाला फेशियल। अगर आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का या घर पे भी किसी को बुला के करने का टाइम नहीं है, क्योंकि फेशियल अगर आप करवाओगे तो 30 मिनट या 45 मिनट्स लगता है। तो आधा पौन घंटा में भी किसी के पास ना हो और आपको जाना है कहीं, या फिर मन नहीं कर रहा है, या फिर आपका फेस बहुत डल डल हो रहा है, तो जो मैं स्टेप करती हूँ कभी, जब मेरा भी ऐसा ही होता है, मन नहीं करता फेशियल करने का, तो मैं ये 2-3 स्टेप करती हूँ जिससे मेरे फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है और मेरे फेस में दोबारा से जान आ जाती है। तो ये आज का वीडियो इसी के ऊपर है। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्टेप नहीं होंगे। आप ये स्टेप वीक में 2 बार ज़रूर यूज़ कर सकते हो, डेली का टाइम इतना नहीं होता किसी के भी पास। आपको वीक में सिर्फ 2 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स भी कर लोगे तो भी आपके स्किन में काफ़ी हद तक ग्लो आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो इसी पर है। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ फेस वॉश से। आपका जो भी फेवरेट फेस वॉश है, आप उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश ले रही हूँ वो ले रही हूँ बायोटिक का फेस वॉश। ये काफ़ी स्मूथ लगता है मुझे, क्योंकि मेरी स्किन जैसे कि ड्राई है तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हम फेस वॉश ले लेंगे। और फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कि फ़ेस वॉश कर रही हूँ, फ़ेस अच्छे से क्लीन कर लें अगर जो भी आप फेशियल करने वाले हैं। इसके बाद इसको वॉश करके डैप डैप करके आप टॉवल से सुखा लें। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मतलब छोड़ सकते हो। अब क्या करना है, अब हमें देनी है स्टीम। ड्राई स्किन है तो आप सिंपल टॉवल से दे सकते हो, ऑयली स्किन है तो अच्छे से स्टीम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं टॉवल ले रही हूँ और एक आपको वॉर्म वाटर लेना है और इसमें अपने टॉवल को ऐसे इस तरीके से और अच्छे से पानी निकाल के अपने फेस को पूरी स्टीम देनी है। इससे क्या होगा, हमारे पोर्स खुल जाएंगे तो जो भी चीज़ हम करेंगे वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। बहुत गर्म है। आप देख सकते हो ये इस तरीके से लेके आपको अपनी स्किन के पोर्स को ओपन करना है। अभी हॉट टॉवल से हम डैब डैब करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इसको ऐसे रखोगे तो पोर्स सारे ओपन हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ग्लो आएगा। आप जो भी स्टेप फॉलो करोगे उसका ग्लो बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का टॉवल अपने स्किन पर इस तरीके से अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा रहता है। से स्टीम दे दी, उसके बाद हम करने वाले हैं स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कच्चा दूध, जो कि बहुत अच्छा क्लींजिंग का वर्क करता है, और दूसरा हम लेंगे कर्ड। ये दोनों ही चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी। इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ करना है और आई एम श्योर ये आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्चा दूध हमने अभी स्टीम दे दी है, पहले फेस वॉश कर लेना है। अब कच्चे दूध से हमें इसको क्लीन करना है इस तरीके से, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी इसी में ऐड कर लें, कोई सा भी जो भी आपको पसंद है आप वो वाला रोज़ वाटर ले सकते हो, 1 चम्मच बहुत होती है। अब इसको इस तरीके से डिप करके पूरे फेस पे अच्छे से इसी से कम 1 मिनट तक मसाज करनी है। तो जो रॉ मिल्क होता है वो क्या करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और ये डीपली क्लीन होता करता है। मतलब जो भी मिट्टी होगी ना आपके फेस के ऊपर अंदर, जो भी गंदगी होगी वो अच्छे से क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से, इसके बाद अपने फेस को साफ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं जो क्रीम ले रही हूँ वो ले रही हूँ नेचर एसेंस की, गोल्ड वाला पैक ले रही हूँ, गोल्ड क्रीम, और ये है नेचर एसेंस का स्क्रब। इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रबिंग करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। और इसी में मिक्स करना है हमको ये कच्चा दूध, ये मैंने हाथ में ले लिया है, और इस तरीके
स्क्रबिंग अच्छे से कम 5 मिनट तो ज़रूर करें। इससे क्या होता है आपकी डेड स्किन अच्छे से निकल जाएगी और क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब होगी जो भी आप अप्लाई करोगे। तो 5 मिनट तक स्क्रबिंग ज़रूर कर लें और उसके बाद इसको वॉश कर लें अच्छे से और टॉवल से हल्के से सुखा लें। अब क्या ले रहे हैं, कर्ड ले रही हूँ मैं और इसके साथ मैं मिक्स करूँगी क्रीम। तो जो ये क्रीम ले रही हूँ नेचर एसेंस की, तो इसको पहले हम अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर, उसके साथ साथ हम इस कर्ड को भी अप्लाई करेंगे ताकि दोनों का मिलकर ग्लो बहुत अच्छे से आए। दोनों का अच्छे से तो जो भी आपकी टैनिंग होगी ना फेस के ऊपर वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। और इसको अच्छे से वॉश कर लें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज ज़रूर करें। अब आप देख सकते हो फेस काफ़ी क्लीन हो गया है। आप इसको 2 दिन करोगे ना वीक में तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। अब जो ये कर्ड रह गया था इसको हम वापस से यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फुलर अर्थ ले रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी 1 स्पून ली है मैंने, उसके अंदर मैंने कर्ड को मिक्स कर लिया है और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे और रोज़ वाटर भी ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से पेस्ट बना के इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है। पेस्ट बहुत ज़्यादा रनी ना हो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो अच्छे से पेस्ट अप्लाई कर लें और थोड़ा थोड़ा मसाज भी करते रहें अपने फेस की, ताकि जो ये हमारी मुल्तानी मिट्टी है ये भी हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन और ग्लोइंग बना दे हमारी स्किन को। और इसके बाद मैं फिर से इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ और उसी से हल्का हल्का मसाज कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक आप इसको मसाज करें और उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये थोड़ा थोड़ा सूख चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है आपको, मतलब 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद टॉवल से इसको गीला करके फेस से हल्का हल्का मसाज करके रिमूव कर लें। आप चाहो तो स्पंज ले सकते हो, नहीं तो टॉवल या कोई भी रुमाल आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका फेस काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने फेशियल ही किया है। उसके बाद अपनी कोई भी मतलब इसको अच्छे से ड्राई कर लें, फेस अच्छे से वॉश कर लें इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं विटामिन सी सीरम ले रही हूँ चामीज़ का। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन काफ़ी हद तक क्लीन लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप फेशियल करोगे ना तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा। इसके ऊपर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, रेकवेल का मॉइस्चराइज़र। आपको जो भी पसंद है आप वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो अपनी स्किन के हिसाब से और अच्छे से इसको अप्लाई कर लें। तो आप देखोगे ग्लो कितना अच्छा आ रहा है और बिल्कुल क्लीन स्किन लग रही है। तो वीक में 2 बार इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें, टीनेजर्स हैं तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं इसको।